हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल ग्लैमरस लक्ष्मी एंड मैं हूँ लक्ष्मी। होप आप सब भी फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगेन मीशो साड़ी हॉल होने वाला है जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आता है। और आज की सारी ही साड़ियाँ लाइट वेट हैं, बस एक ही साड़ी है जो कि सिल्क फैब्रिक में है। बाकी की सारी ही साड़ियाँ एकदम सॉफ्ट फैब्रिक में हैं, लाइक जॉर्जेट टाइप की, तो आप डेली वेयर में भी यूज़ कर सकती हैं एंड छोटे मोटे ओकेजन में भी यूज़ कर सकती हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जो बगल में बेल आइकन है उसे भी हिट करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब चलिए मैं आपको क्लिक करके साड़ी दिखाती हूँ। जो फर्स्ट साड़ी है ये कुछ इस तरीके की बहुत ही सुंदर सी साड़ी है, जॉर्जेट फैब्रिक में मिलती है। एंड इस साड़ी पे मेरी बहुत टाइम से नज़र थी कि मैं इसको मंगा के रिव्यू करूँ, तो फाइनली मैंने इसे मंगा ही लिया। और बहुत ही सुंदर सी साड़ी है, ये आपको बंधेज टाइप की साड़ी मिल जाएगी। एंड कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, कई सारे कलर में साड़ी है। और मैं बता दूँ, आज 4 सितंबर है और मेरी बहन का बर्थडे है, तो जल्दी जल्दी सारे लोग उसको बर्थडे विश कर दो। वो सारे ही कॉमेंट रीड कर और वो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, तो जल्दी जल्दी उसके लिए कमेंट कर दीजिए, उसको बर्थडे विश कर दीजिए। ये कुछ इस तरीके का किनारे में बॉर्डर मिलता है जो कि इतना पतला सा है, और इस तरीके का देखिए एम्ब्रॉयडरी हो रखा है किनारे में। दोनों ही साइड में ये कुछ इस तरीके के टसल्स मिलते हैं। ऊपर के साइड में ये कुछ ऐसा देखिए इस तरीके का ये मिलता है, बॉर्डर मिलता है पतला सा। और ये पूरे में आपको इस तरीके का बंधेज टाइप का प्रिंट मिलेगा, कई सारे कलर हैं इसमें। जहाँ से पल्ला स्टार्ट करते हैं वहाँ से ये वाला बॉर्डर मिलता है इस तरीके का। 2 मीटर से थोड़ा कम ही होगा ये, यहाँ पे आगे पीछे में ही रुक जाएगा, बेली पॉइंट से स्टार्ट नहीं होगा। बहुत ही रेयर कोई ऐसी साड़ियाँ आ रही हैं जिसमें बेली पॉइंट से ये बॉर्डर स्टार्ट हो। ये पूरी ही साड़ी आपको सेम ऐसे ही पैटर्न में मिलेगी, जॉर्जेट का फैब्रिक मिलता है। ठीक है फैब्रिक, बहुत अच्छा, एकदम चिकना सॉफ्ट नहीं कह सकते हैं। ऊंचाई से अगर आपकी हाइट 5'5" है तो आप परचेज कर सकती हैं अपने लिए। एंड पूरी ही साड़ी आपको सेम इसी पैटर्न पे मिलेंगी, कलर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का है। और नीचे के साइड में ऐसा जो बॉर्डर है कंटिन्यू है। 470 की साड़ी है ये, प्राइस अकॉर्डिंग ठीक ठीक है। एंड इसका जो ब्लाउज का फैब्रिक मिलता है पूरा 90 सेंटीमीटर है, और क्वालिटी अच्छी है, सिल्क ब्लेंड फैब्रिक मिलता है ब्लाउज के लिए। किनारे में ये इतना सा बॉर्डर भी लग के आया हुआ है, जो कि या फिर आप अपने स्लीव में या फिर ब्लाउज के बैक में बनवा सकती हैं। और साड़ी में ये पूरा लास्ट तक ये वाला बॉर्डर का कॉन्सेप्ट मिलता है। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट साड़ी जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है, और ये प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। 429 की साड़ी है, प्राइस के अकॉर्डिंग इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। क्वालिटी, बॉर्डर, कलर, फैब्रिक सारा कुछ मुझे बढ़िया लग रहा है। किनारे में आप देखेंगी ना तो ये कुछ इस तरीके के टसल्स लगे हुए हैं, ये वाले टसल्स अभी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और ये किनारे में देखिए जो साइड में रहता है ना एकदम, ये इस तरीके का बॉर्डर मिलता है पतला सा। ये सब साड़ियाँ डेली वेयर के लिए भी परफेक्ट हैं, कोई छोटा मोटा ओकेज़न है, कथा पूजा है उसमें पहनने के लिए भी परफेक्ट हैं। अपने मम्मी दादी लोगों को गिफ्ट करना चाहती हैं तो उनको भी दे सकती हैं। अभी मुझे कॉमेंट भी आ रहा था कि दी प्लीज़ बताइए अपने मम्मी को गिफ्ट करना है, या फिर कुछ ऐसे ही कॉमेंट था, तो आप इस तरीके की साड़ियाँ ले सकती हैं। ये सब साड़ियाँ अगर डेली में आपकी मम्मी या फिर दादी लोग साड़ी पहनती हैं तो डेली के लिए भी परफेक्ट हैं, डेली में भी यूज़ किया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट सा जॉर्जेट फैब्रिक मिलता है। ये वाली साड़ी भी बंधेज टाइप की है, लेकिन ये ऊंचाई से इतनी परफेक्ट है कि अगर आपकी हाइट 5'6" है तो भी आप अपने लिए ले सकती हैं। एंड इसका जो बॉर्डर मिलता है ये अगेन 1.25 मीटर बॉर्डर मिलता है, जो कि आपकी ये कमर के पास यहीं पर आके रुक जाएगा, बेली पॉइंट से स्टार्ट नहीं होगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगी ना तो थोड़ा सा आपको सिमरी सिमरी सा दिखेगा, तो ग्लिटर का भी काम हो रखा है जो कि छूटने वाला काम नहीं है। ये छूटेगा नहीं, देखिए ये जल्दी से निकलेगा नहीं। जो फ्लावर्स हैं इसमें ग्लिटर का काम मिलता है, जिधर पल्ला स्टार्ट करते हैं पल्ले से इधर आते हैं फ्रंट प्लीट साइड में, तो इधर में भी आपको सेम ऐसा ही प्रिंट मिल जाएगा। इसमें आपको 4 कलर ऑप्शन और मिल जाएंगे, तो ये नहीं अच्छा लगता तो दूसरे पे भी जा सकती हैं। एंड ये पूरी ही साड़ी सेम इसी पैटर्न पर फॉलो है। ये देखिए किनारे में ये इतना सा, आई थिंक 6 इंचेस के आसपास इतना सा फैब्रिक खाली छूटा हुआ है जिसमें बॉर्डर नहीं है, बाकी का पूरे में बॉर्डर मिलता है। बॉर्डर में सीक्वेंस का काम है एंड गोटा पट्टी का डिटेलिंग हो रखा है। साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, एंड इसके साथ जो कलर कॉम्बिनेशन में ब्लाउज आया है इसका तो क्या ही कहना। ब्लाउज का कलर बहुत ही सुंदर सा है, एकदम चटक वाला येलो है। जैसे साड़ी लाइट कलर में है तो उसके अकॉर्डिंग ब्लाउज दिया गया है एकदम डार्क येलो। 90 सेंटीमीटर ब्लाउज का फैब्रिक है।
अगर आप डबल ट्रिपल एक्सल तक के भी ब्लाउज वेयर करती हैं तो भी आपको इसमें आराम से बन जाएगा। ये इतना सा बॉर्डर मिलता है जो कि या फिर आप अपने स्लीव में बनवा सकती हैं या फिर ब्लाउज के बैक में बनवा सकती हैं। साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, आई होप आपको भी अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सारी ही साड़ियों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो साड़ी है ये अगेन बंधेज पैटर्न में है, ये वाली साड़ी भी लहरिया। मैं आपको पूरी साड़ी ओपन करके दिखाती हूँ। किनारे में ही कुछ इस तरीके के टेसल्स मिलते हैं, दोनों ही साइड में सेम ऐसे ही टेसल्स हैं। और इस तरीके की साड़ियों के लिए मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी प्लीज़ कुछ ऐसी लाइट वेट साड़ियों का रिव्यू कीजिए, तो इसीलिए आज मैंने ऐसी हल्की हल्की साड़ियाँ आज के वीडियो में इंक्लूड करी हैं। किनारे में कुछ इस तरीके का बॉर्डर मिलता है, बॉर्डर की जो एम्ब्रॉयडरी की फिनिशिंग है एकदम अच्छी वाली फिनिशिंग मिलती है, लहरिया पैटर्न मिलता है। ऊपर के साइड में देखिए ये कुछ इस तरीके का पतला सा बॉर्डर है और नीचे के साइड में भी आपको सेम ऐसा ही पतला सा बॉर्डर का कॉन्सेप्ट मिलेगा। डेली वेयर के हिसाब से एंड छोटे मोटे ओकेजन के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। ऊंचाई से इतनी बढ़िया है कि अगर आपकी हाइट 5'7" है तो भी आप फ्लैट्स के साथ वेयर कर सकती हैं, छोटी नहीं पड़ेगी। जहाँ से पल्ला स्टार्ट करते हैं ये 1.25 मीटर जितना ये वाला बॉर्डर मिलता है जो कि आपके बेली पॉइंट से नहीं स्टार्ट होगा, जो थोड़ा अगर पतली दुबली हैं तो स्टार्ट हो सकता है, नहीं तो नहीं। ये कुछ इस तरीके का देखिए सीक्वेंस का काम मिलता है बॉर्डर में। ये जो बॉर्डर है ना वेलवेट फेब्रिक में है, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं ना इसलिए मैं बता रही हूँ, ये जो बॉर्डर है वेलवेट फेब्रिक में बॉर्डर मिलता है। एंड इधर फ्रंट प्लीट बनाते हैं तो इधर में ये सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। ऑल ओवर साड़ी है तो ज़्यादा कुछ तो इसमें बताने के लिए है नहीं। नीचे के साइड में ये इतना सा फेब्रिक ऐसा खाली छुटा हुआ है जिसमें बॉर्डर नहीं है, बाकी का पूरे में बॉर्डर मिलता है। 429 की साड़ी है, प्राइस के अकॉर्डिंग मस्ट हैव है। 429 में आपको बहुत ही अच्छा पीस रिसीव होगा। एक तो इसका फैब्रिक का क्वालिटी बहुत अच्छा है, प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग एकदम मस्त साड़ी है, ब्लाउज भी एकदम बढ़िया मिलता है एंड जो बॉर्डर का फिनिशिंग है वो चीज़ भी बहुत अच्छी है, कलर भी अच्छा है, दबा हुआ कलर नहीं है। ये लास्ट में इतना सा फैब्रिक पूरा 1 मीटर जितना ऐसा मिलता है ब्लाउज के लिए, जो कि ऐसा कॉटन ब्लेंड टाइप का फैब्रिक है, पहनने में आपको अच्छा रहेगा, इरिटेट नहीं करेगा, गर्मियों में भी पहन सकती हैं ये वाला ब्लाउज। एंड ये इतना सा बॉर्डर मिलता है जो कि आप अपने स्लीव में या फिर ब्लाउज के बैक में डिज़ाइन बनवा सकती हैं, दो में से एक ही जगह पे आएगा। साड़ी एकदम लंबाई चौड़ाई से परफेक्ट है और अगर आप ब्लाउज नहीं स्टिच करवाना चाहती हैं ना तो ग्रीन कलर के भी ब्लाउज के साथ ये वाली साड़ी अच्छी जाएगी, ऐसे ब्लाउज के साथ भी वेयर कर सकती हैं। ये वाला ब्लाउज बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, इसका भी लिंक मैं आपको आज के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड ये इयररिंग्स कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ये साड़ी का भी दे दूंगी। साड़ी मीशो की ही है, 1100 के रेंज की साड़ी है और बहुत ही सुंदर है ये। इसमें की ग्रीन कलर का मैंने रिव्यू किया था तो अभी मैंने रेड मंगवाया है, रेड का भी रिव्यू आपको देखने को मिलेगा जल्दी ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग भूल जाएंगे सब्सक्राइब करना। और जो चूड़ी पहन रखी है ये तो सिंपल सी कांच की चूड़ियां हैं, बगल बगल में ये बैंगल्स हैं, ये वाले बैंगल्स आपको मीशो पे मिल जाएंगे अलग से भी, मेरा तो चूड़ा के साथ का है। ये वाले बैंगल्स ना ऐसे हैं कि बहुत सारी चूड़ियों के साथ आप मिक्स एंड मैच करके पहन सकती हैं, किसी भी साड़ी के साथ कोई भी बीच में ऐसा चूड़ी डाल के एकदम बढ़िया से चले जाते हैं। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट साड़ी दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो है ये सिल्क फैब्रिक में साड़ी मिलती है एंड पिंक कलर की साड़ी है। ये साड़ी थोड़ी सी मुझे डिफरेंट लगी, जैसा मैंने ऑर्डर किया था आप कैटलॉग में देख लीजिए उसमें कैसी, एक मिनट मैं देखूँ कहीं ये पल्ले वाला कुछ नहीं, जैसा मैंने ऑर्डर किया था सेम वैसी साड़ी मुझे रिसीव नहीं हुई है। अगर ये मिल जाएगा मुझे तो मैं इसका ज़रूर लिंक दे दूँगी आपको। किनारे में देखिए ये कुछ इस तरीके का पल्ला मिलता है, पल्ले में ऐसा विंड वर्क हो रखा है ग्रीन कलर का इस टाइप का, ऊपर के साइड में ऐसा बॉर्डर मिलता है एंड नीचे के साइड में ये कुछ इस तरीके का बॉर्डर का कॉन्सेप्ट है। पल्ला ग्रीन कलर का है एंड पल्ले से इधर आते हैं ना तो ये कुछ इस तरीके का विंड डिटेलिंग का काम हो रखा है। ऊपर के साइड में कुछ ऐसा बॉर्डर का कॉन्सेप्ट है और नीचे के साइड का जो बॉर्डर है ना ये ज़रा सा चौड़ा है और बैक साइड से ये कुछ इस तरीके का देखिए वुविन डिटेलिंग हो रखा है। 874 की साड़ी है एंड ये पूरी ही साड़ी में आपको सेम ऐसी ही बूटी का कॉन्सेप्ट मिलेगा, ये इस तरीके से देखिए। फैब्रिक का क्वालिटी अच्छा है, फैब्रिक का क्वालिटी अच्छा है, सॉफ्ट है, पहनने में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। करवा चौथ के लिए लेना चाहती हैं तो लेके पहन सकती हैं, अच्छी है साड़ी उसके लिए। एंड लास्ट में ये जितना सा फैब्रिक खाली मिलता है इतने में कुछ ऐसा लाइनिंग का कॉन्सेप्ट मिलता है एंड इसी से लगा हुआ ये इतना सा फैब्रिक ब्लाउज के लिए मिलता है। ब्लाउज का फैब्रिक बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है,
छोटी छोटी सी बूटी मिलती है। अगर आप इसका ब्लाउज बनवाती हैं तो कई सारे साड़ियों के साथ मिक्स एंड मैच करके पहन सकती हैं। ये इतना सा बॉर्डर मिलता है जो कि आप अपनी ब्लाउज के स्लीव में या फिर ब्लाउज के बैक में बनवा सकती हैं। मुझे साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, रॉन्ग भले ही आया है लेकिन साड़ी अच्छी है। अगर आप में से किसी को परचेज करना है तो कर सकती हैं। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट एंड लास्ट साड़ी दिखाती हूँ। ये वाली साड़ी शेडेड साड़ी है, पर्पल एंड पिंक के कम्बिनेशन में है। अगेन ये जॉर्जेट फैब्रिक में मिलता है लेकिन इसे आप पार्टी के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकती हैं क्योंकि इसका जो ब्लाउज है ना ये आपको हैवी सा मिलता है। और अगर कुछ बहुत महंगा नहीं ट्राई करना चाहती तो ये फेस्टिवल्स वगैरह में भी पहनने के लिए यूज़ कर सकती हैं, बहुत ही बढ़िया है। ये वाली साड़ी 731 में है। आपको इस तरीके का देखिए कटवर्क का बॉर्डर मिल जाएगा, ये ऐसा कटवर्क का बॉर्डर मिल जाएगा, एकदम बारीक बारीक सी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। ऊपर के साइड में पिंक है, नीचे के साइड में ये इस तरीके का पर्पल कलर है। ऑल ओवर साड़ी है तो ज़्यादा कुछ इसमें बताने के लिए है नहीं, जॉर्जेट का फैब्रिक मिलता है। ये देखिए पूरी ही साड़ी में सेम ऐसा ही जॉर्जेट का फैब्रिक मिल जाएगा। एंड ये इसके साथ ब्लाउज आता है जो कि अच्छा खासा एकदम हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज मिलेगा आपको। ये इतनी सी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, फ्रंट एंड बैक के लिए एम्ब्रॉयडरी मिलती है। ये इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी की फिनिशिंग जो है अच्छी है। ये इतनी सी एम्ब्रॉयडरी मिलेगी, अगर आप एक्सेल साइज तक ब्लाउज पहनती हैं तो बन जाएगा इसमें। एंड ये इतना सा फैब्रिक मिलता है जो कि स्लीव के लिए मिलता है, स्लीव के लिए एम्ब्रॉयडरी नहीं मिलती है। 80 से 90 सेंटीमीटर के बीच में ही ये फैब्रिक है एंड सिर्फ और सिर्फ फ्रंट और बैक के लिए ही एम्ब्रॉयडरी मिलती है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट शॉपिंग हॉल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।